जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक. एंड प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं नैब स्पेशल प्रोग्राम, और बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर ऑफ नैब इमरान बट. उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू जी. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. ठीक है सर, मुझे आपसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि करप्शन क्या है. जी शुक्रिया. दरअसल नैब ऑर्डिनेंस जो फोकस करता है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे फोकस करता है, तो उसी के हवाले से एक जो ब्रॉड डेफिनेशन है करप्शन की, वो ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए नाजायज़ फ़ायदा अपने लिए उठा लेते हैं, या जो है वो किसी दूसरे को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचा देते हैं, और ऐसा करते हुए गवर्नमेंट के एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचता है. इस एक्ट को, इस क्रिमिनल एक्ट को जो है वो करप्शन गर्दानती है. ठीक है, तो करप्शन होती है और फिर इस तरह नैब किस तरह से उन सारी करप्शन को डील करता है? जी, नैब जो है वो जो मेजर ऑफेंसेस हैं जो जिन एक्ट्स को करप्शन मान के और क्रिमिनल एक्ट समझता है नैब, उसमें जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो एक तो असासाजात हैं, जो नाजायज़ असासाजात लोग जमा कर लेते हैं, इलीगल एसेट्स, वो एक मेजर ऑफेंस है नैब का. उसके अलावा एम्बेजलमेंट, फ्रॉड और विलफुल लोन डिफॉल्ट, जो कि ऐसे केसेस जो विलफुल लोन डिफॉल्ट के हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रेफ़र होके आते हैं, नैब उनको उनका कॉग्निजेंस लेती है. मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो मेजर एक्ट है. मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी करके ही कोई सियासी सरकारी मुलाजिम जो है वो असासाजात भी बनाता है, वो किसी और को इलीगल बेनिफिट भी ग्रांट करता है, ख़ुद भी जो है वो बेनिफिट ले लेता है. और उसके अलावा जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के हैं क्राइम्स, उनको वो मेजर ऑफेंसेस हैं नैब के, तो नैब उनको इनमें इनको डील करता है. और जैसे कि आप आपका सवाल है कि नैब इस पे किस तरह से एक्ट करता है, नैब जो है उसका प्रोसीजर क्या है, नैब कार्रवाई कैसे करता है, तो नैब जब कॉग्निजेंस लेता है किसी केस का तो उसके दो तीन मुख्तलिफ़ तरीके हैं. पहला तो ये है कि नैब को कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, और कंप्लेंट्स जो हैं वो जनरल पब्लिक से रिसीव होती हैं. नैब जो है सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है. इससे नैब के जो केसेस चल रहे हैं उनके अंदर से ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलती है कि कोई चीज़ सामने आ जाती है और उसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत पेश आती है, तो एक इंक्वायरी के अंदर से भी एक नई इंक्वायरी जनरेट हो जाती है. और जो पब्लिक नैब को भेजती है वो इन राइटिंग भी कंप्लेंट कर सकती है लॉन्च, नैब को ईमेल कर सकती है, नैब का ईमेल एड्रेस कंप्लेंट्स के रिसीव करने के लिए नैब सिंध की हद तक जो है वो है sindh@nab.gov.pk. इस पे जो है वो कोई भी ईमेल भेज सकता है और हमारे कंप्लेंट सेल में ये रिसीव हो जाती है ईमेल, और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो जाता है. हमारा यूएएन नंबर है 1116-22622. इसके ऊपर कॉल करके जो है वो ऑफिस टाइम में कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करवाई जा सकती है. कंप्लेंट ऑफिसर हमारे ऑफिस टाइम में जो कि सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक हैं अवेलेबल होते हैं, और वो ख़ुद रिसीव करते हैं इस यूएएन नंबर पे रिसीव होने वाली कॉल्स को. ठीक है सर, ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी क्या है? मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं कानून और कायदे के मुताबिक, तो अगर वो उन पावर्स को मिस यूज़ करते हैं, उन पावर्स को बजाय इसके के ऑफिस के तरीक़ेकार को चलाने के लिए इस्तेमाल करें, वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने किसी अजीज़ो अकारिब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने से गवर्नमेंट के एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचता है, तो वो एक ऐसा एक्ट है जिसको मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है. अच्छा, कंप्लेंट जो हैं किस किस तरह की आती हैं आपके पास? कंप्लेंट्स जो हैं, जैसे मैंने ये आपको ब्रॉड ऑफेंसेस बताए कि इलीगल एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के ऊपर आती हैं, एम्बेजलमेंट पे आती हैं, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी पे आती हैं, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज पे आती हैं, इस इन ब्रॉडर कैटेगरीज में कंप्लेंट्स आती हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट जो है वो तो कुछ और बात बता रहा होता है,
वो उसको किसी से इफेक्ट हुआ होता है किसी एक्ट से किसी के, तो वो बता रहा होता है, लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं तो हमें उसमें से एक ऐसा एक्ट नज़र आ जाता है जो कि वायलेशन भी होता है, इरेगुलरिटी भी होती है, इलीगैलिटी भी होती है, और उस बैड इंटेंशंस से वो एक्ट किया गया होता है, तो वो एक इस तरह से केस बन जाता है। कंप्लेनेंट हेल्प करता है इनिशिएट करवाने में। बाज़ औक़ात तो कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट्स भेजते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, उसमें मवाद होता है, उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एविडेंस नहीं होता, लेकिन ये कि निशानदेही कंप्लेनेंट की तरफ से हो जाती है कि ये एक एक्ट हुआ है और इससे जो है वो सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, या ये एक्ट बदनीयती से किया गया है, या ये फ़ायदा उठाने के लिए किया गया है। सर, नैब जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें होती हैं उसको डील करता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट का जो सरमाया है उस पर डील करता है, लेकिन एक आम इंसान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, वो शिकायत कर सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हर एक की इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई चीज़ तो आती है। कोई कहीं पर जॉब कर रहा होता है, उसके हवाले से उसको पता चलता है, किसी के साथ कोई जो है वो नाइंसाफ़ी हुई होती है तो वो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर देता है। नाइंसाफ़ी करने वाला अगर सरकारी मुलाजिम है तो वो उसके ख़िलाफ़ रजिस्टर हो जाता है केस, और इनिशिएशन हो जाती है केसेस की। तो जनरल पब्लिक तो इसी तरह से हेल्पफुल होती है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन तो जनरल पब्लिक की कंप्लेंट्स ही बेस पे केसेस इनिशिएट होते हैं नैब में। ठीक है सर, किस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो डील नहीं कर सकते, मतलब कुछ कमियां होती हैं, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है? हाँ, अब ये है कि जब हमें कंप्लेंट आती है, रिसीव होती है जी, जो कंप्लेंट नहीं कर सकते। अभी एक कोर्ट्स की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन नैब के ऊपर लगी है कि नैब इनिशियली जब बनाई गई थी तो मकसद जो था वो मेगा केसेस को डील करना था। ठीक है, तो नैब जो है वो बड़े केसेस को डील करे, छोटी अमाउंट के केसेस को डील ना करे। अगर छोटी अमाउंट के केसेस हैं तो उनको फेडरल लेवल पे एफआईए डील करने के लिए मौजूद है इदारा, और प्रोविंशियल लेवल पे एसीई है। तो बड़े और मेगा केसेस जो हैं वो नैब जो है वो करता है। अगर कोई छोटा केस है उसकी कंप्लेंट नैब की तरफ भेज दी गई होती है तो नैब आगे कंसर्न एजेंसी को, इदारों को दूसरे भेज देता है, अगर वो नैब के एम्बिट में ना आ रहे हों, या नैब के एम्बिट में तो आ रहे हों लेकिन अमाउंट बहुत मीगर लेवल की हो, तो वो हम उनका कॉग्निजेंस नहीं लेते या कंसर्न एजेंसी की तरफ भेज दिया जाता है। या जो कंप्लेंट आती है, तो मैं आपको अब एक प्रोसीजर भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि नैब के पास जब कंप्लेंट आती है तो वो प्रोसीजर चलता कैसे है। वो जो कंप्लेंट आ जाती है, उन कंप्लेंट्स को एक स्क्रूटनी मीटिंग होती है जिसमें एक कमेटी बैठती है और वो एक एक कंप्लेंट को पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो देखती है कि ये कंप्लेंट जो है इसमें इसका जिस्ट क्या है, क्या कंप्लेंट की गई है, किसके ख़िलाफ़ की गई है, और उसका मैटर क्या है, क्या वो नैब के एम्बिट में आता है, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर हम उसको डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अंदाजन कितना वॉल्यूम मैग्नीट्यूड है उस एक्ट का। ठीक है, और ये कि जो कंप्लेनेंट है उसने कोई एविडेंस भी साथ भेजा है या नहीं भेजा। सही, जब ये चीज़ आ जाती है और देख लिया जाता है कि हाँ ये नैब के एम्बिट में आता है, ये जो हमारे ऑफेंसेस हैं जिनको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डील करता है उसके अंदर मौजूद है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है एक्ट का वो भी इतना बड़ा है कि मेगा केस है ये और नैब इसका कॉग्निजेंस ले सकता है, तो उसकी रिकमेंडेशन कर दी जाती है उस स्क्रूटनी मीटिंग के अंदर के इसके ऊपर कंप्लेंट वेरिफिकेशन ऑथोराइज कर दी जाए। कंप्लेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ये होता है कि जो बाज़ोकात कंप्लेनेंट किसी एक एक्ट की तरफ इशारा करता है, बाज़ोकात एक कंप्लेनेंट एक कंप्लेंट में एक से ज़्यादा एलिगेशंस भी लगाता है, तो जो मेजर एलिगेशन होता है उसको वेरीफाई कर लिया जाता है कि क्या ऐसा है कि नहीं है। जैसे अगर किसी ने एलिगेशन लगा के कंप्लेंट भेज दी कि जी फलानी जगह पे जो है वो सड़क बनाने की मद में करोड़ों रुपए खा लिए गए हैं,
तो ये वेरीफाई कर लिया जाता है कि सड़क बनी भी है उधर के नहीं बनी, सड़क ही नहीं बनी तो वो उसकी मजीद वेरिफिकेशन का कोई मकसद ही नहीं रह जाता, उसका मतलब ये होता है कि जो कंप्लेंट थी वो वेरीफाई नहीं हुई। लेकिन अगर वेरीफाई हो जाती है कि हाँ सड़क बनी है और वाकई इसमें बड़ी अमाउंट का बजट बना है, कई किलोमीटर की रोड थी, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये कंप्लेंट जो है वो जो उसमें एक्ट है वो तो वेरीफाई हो रहा है, हाँ हुआ है ऐसा। अब आगे कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी ऑथराइज हो जाती है कि अब इंक्वायर किया जाए उसको, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और कंसर्न लोगों को और कंसर्न रूल्स को जो है वो पढ़ा और देखा जाता है, उसमें जो इलीगैलिटीज़ होती हैं वो ढूंढी जाती हैं, फिर उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है, ऑन ग्राउंड विजिट होता है, इंक्वायरी टीम अटैच करती है अपने साथ एक्सपर्ट्स उस रिलेटेड मैटर के जी, और वो सारी इंक्वायरी करके और डिटरमिन करते हैं कि क्या गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, क्या इसमें कोई रूल्स की वायलेशन हुई है, क्या कोई इलीगलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिन्होंने ये किया है, किसकी क्या जिम्मेवारी बनती थी और उसने पूरी नहीं की, या बदनीयती और बदध्यानती से जो है वो कोई एक्ट करके नुकसान पहुँचाया है इस मैटर में सरकार के ख़जाने को। अगर जो है वो ये चीज़ निकल आती है तो फिर उस इंक्वायरी को अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन में ले जाया जाता है और उसमें मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस मुकम्मल करके और रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उसका फैसला फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जजेस करते हैं, जो कि नॉर्मल जो जुडिशल सिस्टम है हमारा उसके मुताबिक ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स चल रही हैं। नाम इनका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स है क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के केसेस देखती हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन ये चल रही नॉर्मल जुडिशल सिस्टम के तहत हैं सारी की सारी कोर्ट्स और हाई कोर्ट की सुपरविजन में काम करती हैं। उसमें जो भी डिसीजन आता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, अगर उस पर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट उसका लीगल राइट बनता है कि वो अपील फाइल कर सकता है नेक्स्ट हायर फोरम में जो कि हाई कोर्ट है, और उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये सारे का सारा सिलसिला चलता है। ठीक है सर, 2016 में नैब की अचीवमेंट्स क्या रही? हाँ, 2016 में जो हमारा अभी ये साल गुजरा है इसमें हमने जो कंप्लेंट्स प्रोसेस की वो थी 5523 ये कंप्लेंट्स आई और हमने प्रोसेस की। उसमें इंक्वायरीज़ जो कंप्लीट हुई 2016 के पूरे साल में, ये नैब सिंध के नैब कराची के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध में दो रीजनल ब्यूरोज हैं, एक जो है वो नैब कराची है और एक नैब सक्खर है। तो नैब कराची की परफॉर्मेंस जो 2016 की है मैं उसके हवाले से ये बता रहा हूँ कि जो कंप्लेंट्स प्रोसेस की हमने 2016 में वो 5523 थी, जो इंक्वायरीज़ कंप्लीट की वो 104 थी, और इन्वेस्टिगेशंस जो कंप्लीट की वो 64 थी, जो रेफरेंसेस फाइल किए हमने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में वो 80 हैं। इसके अलावा वॉलंटरी रिटर्न की मद में 998 मिलियन रुपीस रिकवर हुए हैं 2016 में, और प्ली बार्गेन के हेड में 225 मिलियन रुपीस रिकवर हुए हैं 2016 में। इसके अलावा 2016 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से 7 कन्विक्शंस भी हमने करवाई हैं। ये जो था वो एक छोटी सी समरी थी जो कि 2016 के हवाले से थी नैब कराची की। सर, करप्शन का हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है? करप्शन का, अब ये करप्शन जो है वो सारे के सारे हमारे जो मामलात हैं उनको अफेक्ट कर रही है, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, और वो उसकी वजह से जनरल पब्लिक पे वो इफेक्ट जो है वो इम्पेक्ट जो है वो पड़ता है। इसमें जो गवर्नेंस है वो अफेक्ट होती है, और उसकी वजह से जब बैरून मुल्क जो हैं हुकूमतें दूसरी हुकूमतें वो जब देखती हैं हमारे जो डोनर्स हैं वो डोनेशन ही नहीं देते, फिर कि जो हम डोनेशंस दे रहे हैं इनको वो तो सारा हो रहा है करप्शन की नज़र, जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है वो वहाँ पे लग ही नहीं रहा, तो उसमें डोनेशंस में कमी आ जाती है, जो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है कोई वो नहीं करता,
जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से बाहर चली जाती है, जब उसको अपनी कैपेबिलिटी का काम नहीं मिलेगा तो वो भी मुल्क से बाहर जाते जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उसके अलावा जो है वो लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट की, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, उसका लॉस होना शुरू हो जाता है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं कमोडिटीज़ की, करप्शन की वजह से। उसके इसके साथ साथ जो है वो एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, किस पे ट्रस्ट करें, अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके टैक्स के पैसे खाए जा रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स पे जो है वो ट्रस्ट करना ही छोड़ देगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा आज है वो इसी की वजह से है कि करप्शन का असर नज़र आ रहा है पूरी सोसाइटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मखदूश हालत में है। जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो जाती है, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और दूसरे जो इदारे हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और ग्रोथ रेट हमारा कम हो रहा है, इनजस्टिस है, लोगों का गवर्नमेंट की मशीनरी और इदारों से जो है वो उनका ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, ये पॉवर्टी की तरफ इसी वजह से हम जा रहे हैं। ये सारे अफेक्ट हैं जो कि करप्शन के अफेक्ट हैं और हमारी सोसाइटी उनसे अफेक्ट हो रही है। सर, ये करप्शन की वजूहात क्या होती हैं? करप्शन की वजूहात जो हैं वो यही हैं सारी के, जो जहाँ पे हमें अपना रोल प्ले करना है वो हम रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, पॉलिटिकल विल कम है। उसके अलावा जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो बड़े कमज़ोर हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म तो कानून के अंदर उनके रूल्स के अंदर रखा गया है जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं हो रहे या कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से उन डिपार्टमेंट्स में इम्बिजलमेंट होती है, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो रही है। कानून और रूल्स तो रखे हुए हैं उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा, वो इंटरनल कंट्रोल और मैकेनिज्म कमज़ोर हैं, ये वजह है करप्शन की। जिसकी वजह से फिर जो करप्शन के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के इदारे हैं उनको एक्शन में आना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि जो कानून और प्रोसीजर्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, डिपार्टमेंट्स के, वो ख़ुद से इस करप्शन को रोकें या पकड़ लें। वो फेल हो रहे हैं, कमज़ोर हैं, तभी तो इन इंस्टीट्यूशंस की और दूसरे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। उसके अलावा जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं हमारे यहाँ, वो एक्सरसाइज होती हैं जो वजह बनती हैं करप्शन की। जी। जो बिजनेस एथिक्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनकी नॉन एडहेरेंस है जो वजह बनती है करप्शन की। पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हम पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकियत और अहमियत देते हैं नेशनल इंटरेस्ट के मुकाबले में, जो वजह बनती है इन सारी बदनवानी की। वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, बैड गवर्नेंस है, ये सारी जो वजूहात हैं ये बन रही हैं वजह, सारे फैक्टर्स जो हैं ये वजूहात बन रही हैं करप्शन की। सोशल प्रेशर है जो वेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी वो मिसप्लेस्ड हैं। हमें जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर चाहिए जिस जगह पे, वो उस जगह पे नहीं है। जो जो काम कर सकता है वो नहीं कर रहा, वो कोई और काम कर रहा है, और हमारी प्रायोरिटीज़ भी जो हैं वो मुनासिब नहीं है, जो जिस तरह से गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जो इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए सोसाइटी को पूरा अपना हिस्सा डालना है, वो प्रायोरिटीज़ हमने जो हैं वो नज़रअंदाज की हुई हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, आज तक जो है वो एक एक चीज़ जो है डॉक्यूमेंट नहीं हो सकी, बहुत सारे जो हैं वो टैक्स नेट से बाहर हैं लोग, उसी वजह से कि इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। ये सारी वजूहात हैं जो कि करप्शन, जिनकी वजह से असरअंदाज हो रही है। ठीक है, एंटी करप्शन एक्टिविटी में लोग किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, एंटी करप्शन एक्टिविटी में जो है वो एक तो अपनी असलाह खुद करें। लोग जहाँ जो है वो देखते हैं कि रूल्स की वायलेशन हो रही है, तो बजाय इसके कि ख़ुद भी उसका हिस्सा बन जाएं या शॉर्टकट अपना लें, ब्राइब मांग रहा है कोई तो ब्राइब दे के अपना काम कराएं, वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें ना लोग। एक किसी को तो जो है वो देनी पड़ेगी कुर्बानी, अपना काम नहीं होगा अगर आप ब्राइब नहीं देंगे तो, लेकिन ये है कि उसको आइडेंटिफाई तो करें एक दफ़ा,
फिर एक बंदा भी स्टैंड ले लेगा तो उसके साथ दूसरा बंदा खड़ा होगा, तीसरा बंदा खड़ा होगा, सोसाइटी पूरी खड़ी हो जाएगी, लेकिन किसी एक को स्टैंड लेना पड़ेगा। इसी तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंटी करप्शन की एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा नैब को जो है वो आप इंटीमेशन दें, अगर कहीं पे आपको कोई नज़र आती है बदनवानी करप्शन का कोई एक्ट नज़र आता है, मेगा करप्शन का केस आपकी नॉलेज में है, तो नैब का जैसे मैंने यूएन नंबर बताया 111-622-622 आप उस पर इंटीमेशन दे सकते हैं। उसके अलावा जो नैब की ईमेल है नैब कराची की, वो है sindh@nab.gov.pk, उस पर इंटीमेशन दे सकते हैं। हमारा कराची का फैक्स नंबर है 9920-7949, उस पर आप जो है वो हैंड रिटन अपनी कंप्लेंट जो है वो फैक्स कर सकते हैं, ख़ुद नैब के दफ्तर आके जो है वो बता सकते हैं, जो आप कंप्लेंट लॉन्च करना चाह रहे हो लॉन्च कर सकते हैं। नैब के अलावा जो और इदारे हैं एंटी करप्शन के, आप वहाँ जाके जो है वो बता सकते हैं, कंप्लेंट अपनी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अब जब वोटिंग ईयर आ रहा है आगे, उसमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ये भी आपका जो एक्ट है वो करप्शन को ख़त्म करने में मुहिमद्दमावन साबित हो सकता है। और सोशल मीडिया को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उसको आप यूज़ करके एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। सर, प्रोग्राम के लास्ट में हमारे लिसनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे नैब की जानिब से? जी, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो जैसे आपको ये यूएन नंबर बताए, ईमेल बताया, फैक्स बताया, इसमें काइंडली हमारी हेल्प करें आप जो है वो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेट करें, अगर कोई आपके आसपास आपकी नॉलेज में कोई ऐसा एक्ट है, कोई एम्बेजलमेंट का केस है, तो वो हमें काइंडली आप हमारी हेल्प करें। और हेल्प इसी तरह से कर सकते हैं कि इन यूएन नंबर्स पे, ईमेल पे, फैक्स नंबर पे हमें इंटीमेशन दें। ठीक है सर, कंप्लेंट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए लाजमी? कंप्लेंट के अंदर जो है वो एक तो ये हो कि किस डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट है, क्या मैटर है, और अगर कोई एविडेंस आपके पास है, कोई अगर आपको नज़र आती है कोई कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई हुई तो उसकी तस्वीर ही लेके ईमेल कर दें साथ, या अटैच करके भेज दें, कोई ना कोई एविडेंस जो आप कलेक्ट कर सकते हैं वो हमें भिजवा दें, वो सबसे बड़ी हेल्प होगी जनरल पब्लिक की। चलें सर, थैंक यू सो मच। इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ नैब। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, सारी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और एज लिसनर्स, अपनी प्रेजेंटर इमरान खान को दीजिएगा इजाज़त FM 101 कराची स्टूडियो से। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज। शब में सुबह के नूर का ऐलान।